हेलो गाइस, कैसे हैं तुम लोग। स्वागत है आपका सचिन माउंटेन यूट्यूब चैनल में। भाई आज आए थे बद्री, कल रात को 9:30 बजे हम बद्री के प्रांगण में पहुंच गए थे और अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं। अभी यहां पे स्नान नहीं करने दे रहे क्योंकि यहां पे मोदी जी सुबह आने वाले हैं 8 बजे के लगभग। जो यहां पे सेना आई हुई है, सेना से हमने बात की है, वो बोल रहे हैं यहाँ पर स्नान नहीं करने देंगे, खाली दर्शन होंगे। अभी जाके देखते हैं कैसे क्या रहेगा। स्नान करने देंगे नहीं करने देंगे। बाकी एक बार दर्शन तो हम करके आ रहे हैं, अभी बद्री प्रांगण में तो पहुंच गए, चलो चलते हैं। अभी ये देखिए बद्रीनाथ जी की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और सामने में अभी बद्री दिखाई देंगे। हाँ ये कुंड है यहाँ पे नीचे, ये सामने कुंड है, बद्री तपत कुंड है इसका नाम। वो वहाँ पे सभी लोग नहा रहे हैं और यहाँ पे ये बद्री मंदिर। भाई हम बद्री मंदिर में पहुंच गए हैं और ये मंदिर बाहर का दर्शन है बद्री का। अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं सभी लोग क्या बोलते हैं, नहाएंगे नहीं नहाएंगे वो आपको बाद में बताएंगे। अभी आप मंदिर के दर्शन कीजिए फ्रंट के। अभी आगे चलते हैं। ये कौन है? ये शंकराचार्य जी महाराज हैं, इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई है। ये शंकराचार्य जी हैं, इन्हीं के द्वारा बद्री की स्थापना की गई थी, भगवान का स्थापित किया गया। यहाँ पे नरनारायण की स्थापना की थी। ये श्री बेदार स्वरूप मूर्ति हैं आदि शंकराचार्य जी की। और अभी हम मंदिर के प्रांगण में है, ये काम देनु गाय जी हैं, सभी लोग दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे भी वही केदार वाले हैं, वही केदार वाले दर्शन हुए हैं यहाँ पे भी। ये भाई अपने चरणामृत ले लीजिए हनुमान जी। ये अपने नारायण जी, विष्णु नारायण, हाँ जी चरणामृत ले लीजिए। तपाल जी, ये त्रितापाल जी हैं। अब ये मंदिर के अंदर है और मंदिर में यहीं से जहाँ ये श्रद्धालु खड़े दिखे, भगत खड़े दिखे रहे हैं, यहीं से दर्शन हो पा रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे। पहले अंदर से दर्शन होते थे, ये वाला गेट था, यहाँ से अंदर चले जाते थे तो दर्शन हो जाते थे, मगर अब यहीं से वापस कर देते हैं दर्शन करने के बाद। चलो अब चलते हैं यहाँ से भाई। ये देख लीजिए ये मंदिर का दृश्य है अंदर से, तब मैंने आपको बाहर से दिखाया था। ये अंदर का प्रांगण है, वो वहाँ पे भोग प्रसाद है, वो भोग प्रसाद का काउंटर है। अगर किसी को भोग वगैरह या प्रसाद वगैरह लेना हो तो वहाँ से हम प्रसाद वगैरह का काउंट ले सकते हैं। ये है आदि केदार जी, ये देखिए श्री आदि केदार मंदिर है। सभी लोग दर्शन कर लीजिए। ये यहाँ पे लेप बनाते हुए चंदन का टीका जो माथे पे लगाते हैं, वो यहाँ पे लेप बना रहे हैं। ये यहाँ पे कुंड, तपत कुंड, यहाँ पे सब लोग स्नान कर रहे हैं। भाई नहा के आए थे, नहा के आने के बाद दोबारा दर्शन हुए हैं और तब भी काफी अच्छे दर्शन हुए थे और अब भी काफी अच्छे दर्शन हुए हैं। काउंटर है वो यहाँ पे है, ये उनके वही हुए हैं। पढ़ लीजिए भाई सभी के सभी। पोज करके पढ़ लेना भाई। यहाँ पे कपूर आरती, चंदन आरती, श्रवण आरती, अष्टोत्तरी पूजा, विष्णु शस्त्राम पाठ, विष्णु शस्त्र नमः
नमावली पाठ शयन आरती गीत गोविंद पाठ ये हर हर के अलग अलग प्राइज है देख लीजिए भाई। ये उन्हें बालाजी महाराज ये बद्री का प्रांगण का एरिया ये देखिए यहाँ पे बर्फ हेलो भाई देखो गाड़ी के ऊपर बर्फ कितनी है और शीशा बिल्कुल बर्फ तो ढकया पड़ा है कि अगर देखे ना तो कुछ भी दिखेगा भाई देखो ऊपर गए। हालांकि ये बर्फ तो कुछ भी नहीं है, मैं तो दो दो फुट बर्फ देखी है गाड़ी के ऊपर। उस टाइम पे वो लोग ही नहीं कराया करता, उस टाइम मैंने दो दो फुट बर्फ देखी है गाड़ी के ऊपर। ये वो अपने आशीष भाई ने जाट लिख दिया गाड़ी के ऊपर। आज हमारी चार धाम यात्रा संपूर्ण होते हुए आज हम यहाँ से ऋषिकेश के रवाना हो रहे हैं। हमारी चार धाम की जो यात्रा है भाई ये है इंडिया ग्लास सिटी। मैं पिछली बार भी इंडिया ग्लास सिटी में आया था और अब हम बार बार से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी एंट्री नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी मोदी जी का प्रोग्राम चल रहा है। देखिए सामने मोदी जी यहाँ पे आएंगे और हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरी बॉर्डर फोर्स है, यहाँ पे BSF, ये देखिए पूरी वादियाँ ही वादियाँ। ये अपना यहाँ पे सैनिक ढाबा है। भाई बद्रीनाथ का मास्टर प्लान ये है, मास्टर प्रोजेक्ट है ये आने वाले